मुझे ये बताइए कि when you became a part of integral part of the Pakistan team, आपने कभी झगड़ा किया इस बात पे? और करना भी चाहिए था आपको, मेरा ये ख्याल है, सवाल है यार, हमारी सैलरी इनसे क्यों कम है? बिल्कुल, हमें तो सैलरी मिलना ही, मुझे तो सैलरी मिली नहीं ना कभी, मैंने 2004 से खेला 2010 तक, ओके, मुझे तो कोई सैलरी नहीं मिली क्योंकि उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट्स थे। अच्छा, और वजह क्या होती थी इस चीज? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उस वक्त तक विमेंस क्रिकेट को बोर्ड ने ही उतना सीरियस नहीं लिया था, उतनी वैल्यू नहीं दी गई थी विमेंस क्रिकेट को कि आई कैन अंडरस्टैंड। और कहते क्या थे वहाँ तक तो, और विमेंस क्रिकेट दूर भी इतना होता था कि किसी तक पहुँचने में भी बहुत टाइम लग जाता था। तो गेस करें हमारी डेली 2010 में कितनी होगी एक दिन की? 1000 रुपये 500 थी। अगर बॉलर को कोच कह देता था चौथा ओवर कराओ तो वो बैठ जाती थी कि 500 में इतना ही होता। एब्सोल्युटली कहते 500 में इतना ही होता है बस। यार जवेरिया तुम मैं ना बिल्कुल एक जैसे ही। अच्छा हाँ, मैंने PIA से कहा था 500 रुपये देते थे मुझे 92 की बात कर रहा हूँ, तो 93 में मुझे ट्रायल हुआ तो मुझे 500 रुपये देते थे, कहते थे यार कि जाके तेज बॉलिंग करो, मैं क्या 500 रुपये में तेज बॉलिंग होती नहीं होती नहीं होती होती नहीं है, होती जो है वो इसलिए होती है कि भाई पैसे लगाओ, जीरो और लगा दो आगे। सो आप क्या अपने डिड यू फाइट फॉर योर राइट्स कि यार हमारे पैसे बढ़ाओ, हम भी उतने इंपॉर्टेंट हैं जितना ये जेंडर इंपॉर्टेंट है, ये बात रूज क्यों नहीं समझा पाते आप लोग, जरा आप इस बारे में थोड़ा वोकल हो जाए जरा। देखिए वोकल तो खैर बहुत सारे सिनारियोज में बहुत सारे सिचुएशंस में हो कर अब विमेंस क्रिकेट एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ आप उसको प्रोफेशनल इन पाकिस्तान कह सकते हैं, बट मैंने तो बहुत ही अर्ली ईयर्स में खेला था, PCB के अंडर क्रिकेट शुरू हुई थी 2005 में, तो वहाँ पर जो है आपको ये सारी फाइट्स लड़नी पड़ती थी कि पहले हमें ग्राउंड ही दे दो, हमें बल्ले और बॉले ही दे दो, कोच दे दो, ट्रेनर दे दो, तो उस वक्त तो यही लड़ाई थी आपकी कि किट हमें कोई ढंग की दे दो, तो उस वक्त ये लड़ाइयाँ होती थी कि डेली अलाउंस को ऐसा ऐसा बढ़ाओ, कॉन्ट्रैक्ट से बहुत दूर की बात थी, फ्लाइट्स बेहतर कर दो, तो बेसिक्स, तो उस वक्त मैं जिस वक्त खेली उस वक्त तो हम बेसिक्स के लिए लड़ते थे, उस वक्त तो सेफ ग्राउंड ही ढूंढना बहुत मुश्किल होता था, तो हमें पता नहीं कोई थर्ड फोर्थ ग्रेड सिटीजन वाले ग्राउंड्स मिलते थे शुरू में खेलने के लिए। थिंग्स बिकेम बेटर, बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। और अब कैसा है जवेरिया अरुज, अब कैसा है? अब तो काफ़ी बेहतर है, इट्स गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, स्टिल लिटिल स्लो लेकिन उस तरफ हम चले गए हैं, तो अब काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, पहले से तो बहुत बेहतर है। और ये चेंज आया एशियन गेम्स में, जब गोल्ड मेडल हमने लिया तो फिर हमें रिकग्निशन मिलने लगी है, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कछुए की तरह। भाई किसी की मेहनत होती है फल कोई खाता है, लेकिन आज की लड़कियां ये मत भूलें जवेरिया और अरुज ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या किया है, बेस सेट की थी, बेस लाइन सेट की थी, और इसके साथ साथ ये बेस बनते बनते स्ट्रगल उन्होंने बहुत की, लेकिन हमारी स्ट्रगल का टाइम अभी ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद, विल बी राइट बैक, सी यू एंड अ बैक।